दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में यूपी चुनाव को लेकर बैठक चल रही है। बैठक में प्रियंका गांधी, यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और पार्टी की सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित मौजूद हैं। मीटिंग में यूपी चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। पार्टी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर चर्चा हो सकती है। और इस खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ अनुराग चड्ढा मौजूद हैं। अनुराग, ये बताइए किन किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी, मीटिंग में क्या कुछ बातें हो सकती हैं आज? देखिए, अभी तक जो यूपी को लेकर कांग्रेस की रणनीति थी और जो माहौल अब फिलहाल वर्तमान में है उसको देखकर कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव करने का फैसला लिया है। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उसके बाद नोटबंदी का मामला सामने आया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर और अपने बड़े नेताओं को भेजकर ये देखने की कोशिश की जाए कि आखिर लोगों का मूड क्या है, लोगों की जो परेशानियां हैं वो किस कदर है। जो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उनसे कांग्रेस के आलाकमान नेताओं ने संपर्क साधने की कोशिश की है और उनसे ये इनपुट मिला है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर तो नोटों की लिमिट तय है, बैंकों में पैसा भी पहुंच रहा है, लेकिन जो देहात के इलाके हैं वहां पर जो बैंक है वहां पैसा नहीं पहुंचा, तो उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाएगी, बड़ी कैंपेन कर सकती है, मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेर सकती है। इसके अलावा प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का सही वक्त आ गया, ऐसा कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनका मानना है। अभी तक प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर से कांग्रेस दूरी बनाएगी, राज बब्बर ने भी उनके खिलाफ काफी कुछ बोला था, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर इस बैठक में है, राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी मौजूद है, तो उसके बाद लगता है कि यूपी को लेकर बहुत ज्यादा कामकाज अभी करना बाकी है, तो काफी अहम फैसले यूपी को लेकर यहाँ पर किए जा सकते हैं। इसके अलावा गठबंधन की बात शुरू से हो रही थी कि भाई समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लें और जो आरएलडी है, आरएलडी से तो गठबंधन करने में कोई दिक्कत किसी कांग्रेस को है नहीं क्योंकि अभी भी आरएलडी से अच्छे रिश्ते हैं कांग्रेस के नेताओं के, तो गठबंधन पर विचार किया जा रहा है कि किस पार्टी से गठबंधन किया जाएगा, कितनी सीटें कांग्रेस को। जी जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया 24/7 पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए।